अब आगे आता है डोनर हाइपोथेसिस। तो डोनर हाइपोथेसिस में आप लोग पढ़ेंगे कि जो सेल है प्लांट की, उसके अंदर हुआ क्या, आयंस की पेयर बन जाए। यानी कि डोनर ने ये बताया कि बाहर और अंदर आयंस के क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देखो वॉल तो डेड है, मेम्ब्रेन ही सेलेक्टिव परमिएबल है ना, वही सारा कुछ कंट्रोल कर सकती है। तो वो पॉजिटिव आयन को तो आने देती है, जाने देती है, नेगेटिव आयन्स को लेकर के उसमें थोड़ा ये है कि जहाँ रूट की बात आती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेगेटिव आयन्स को बाहर नहीं जाने देती, नहीं जाने देती, इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए। अब ये बताओ जब नेगेटिव आयन बाहर नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, उनको बैलेंस कैसे किया जाएगा, पॉजिटिव आयन और बाहर से अंदर लेके, सीधी बात है ना, आपके पास नेगेटिव ज्यादा हो गया तो या तो आप नेगेटिव निकालोगे, आप निकाल सकते हैं, कैपेसिटी है, तब क्या करोगे, उनको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव का और अपटेक करोगे, ठीक है। मिनरल्स में मेटल्स भी है नॉन मेटल्स भी, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में होंगे वो अंदर ले लिए, जैसे पोटेशियम क्या है मेटल, उसको अंदर ले लिया, ठीक। तो इस तरीके से मिनरल अपटेक को आप लोग समझो, ठीक है। डोनर की इक्विलिब्रियम ये कहती है कि सेल या साइटोप्लाज्म के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस इन, इसको इरेज करते हैं, concentration of positive ions upon rain, concentration of positive ions in cell या cytoplasm, cell में तो होता है cytoplasm, है ना। उसके बाद upon में आप क्या देखोगे, concentration of positive ions in external है ना, outer जो solution या आप बोलोगे outer solution। अब आपने outer solution word क्यों use किया, क्योंकि आप इसको lab में भी करके देखोगे experiment, तभी तो आप soil में देखोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर जो आपने सॉल्यूशन बनाया उसके अंदर आप आर्टिफिशियली सॉइल वाले मिनरल्स डालोगे, तब आप चेक कर पाओगे कि जा रहे हैं कितने, जा रहे हैं पहले कितने थे सॉइल में, आपने कितने डाले सॉल्यूशन के अंदर मिनरल्स, और बाद में एक्सपेरिमेंट के बाद रह कितने गए उसके अंदर, उसका मतलब कहाँ गए प्लांट ने अपटेक किए, ऐसे बता दो। तो इसका रेशियो अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा concentration of negative ions in outer area में देखो, हाँ outer solution, outer solution upon में concentration of negative ions in cell या cell cytoplasm, और यहाँ भी होगा cytoplasm, यानी कि जितने पॉजिटिव आयन आए सेल में उनका मल्टीप्लाई अगर आप करो, अगर इसको आप ठीक से समझो, तो सेल पॉजिटिव आयन कितने लेगा पहले आपको देखना पड़ेगा कि अंदर कितने और बाहर नेगेटिव आयन, एक बार। दूसरी चीज आप देखोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन आउटर कंडीशन में पॉजिटिव कितने हैं और
negative 7 बोलो। यही तो देखोगे आप, नेगेटिव सॉइल में कितने हैं, पॉजिटिव सॉइल में कितने हैं, फिर पॉजिटिव सेल में कितने हैं और नेगेटिव सेल में कितने, उनका बैलेंस है। अब रेशियो आप कैसे निकालोगे, रेशियो आप कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन सेल में कितनी है अपॉन में पॉजिटिव आयन की सॉइल में कितनी है कंसेंट्रेशन, इक्वल्स टू कितना होगा, नेगेटिव आयन्स की, नेगेटिव आयन्स की कंसेंट्रेशन सॉइल में कितनी है अपॉन में नेगेटिव आयन्स की कंसेंट्रेशन सेल में, ये इक्विलिब्रियम ऐसे ही तो है। तो ये डोनर ने पोस्टुलेट की, डोनर साइंटिस्ट से एफजी डोनर, इसलिए इसको अनडिफ्यूजिबल या फिक्स्ड आयन पर बेस्ड होती है जनरली, जो सेलेक्टिवली परमीएबल जो कंडीशन है, टेंडेंसी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसको समझाते हैं, ठीक है। जनरली ये जिंक पर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, जिंक का एब्जॉर्प्शन जो होता है 100% डोनर इक्विलिब्रियम थ्योरी पर ही बेस्ड है, ठीक है। यानी इस थ्योरी में ये कुछ हालांकि इसमें ऑब्जेक्शंस भी आए बाद में और इसको फिर कुछ मामलों में ये ठीक भी साबित हुई है, ठीक। तो इसमें समझिए बात को कि अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये कंडीशन है, ये मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन की कंडीशन बाहर तो सॉल्ट और सॉल्ट कौन सा है, केस जरूरी है ना, बार बार एचसीएल तो केसीएल है, तो आपको अभी भी बताया था कि सॉइल है, सॉइल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो कोलाइडर फॉर्म में होते हैं, उसके अंदर आयंस ऐड होते हैं ना पॉजिटिव या नेगेटिव के फॉर्म में, क्योंकि नॉर्मली केसीएल के फॉर्म में रेगुलरली नहीं रहेगा, मिनरल फॉर्म में मतलब आयनिक फॉर्म में, क्योंकि आयनिक फॉर्म में भी प्लांट उसका अपटेक कर सकता है जब कंपाउंड में उसको बेस करेगा, तो ये केसीएल कन्वर्ट हो जाएगा के प्लस एंड सीएल माइनस, तो बहुत सारे के प्लस सीएल माइनस के प्लस सीएल माइनस, ये सिचुएशन बाहर है। सेल के अंदर क्या सिचुएशन है, के प्लस एंड आर माइनस, आर मतलब किसी भी को भी नेगेटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर माइनस और आर के प्लस, जिससे कि ये बैलेंस, ठीक है। अब आप देखिए आर माइनस की कंडीशन क्या हो गई है, ज्यादा, और जब माइनस चार्ज ज्यादा है तो ये क्या कर सकता है, माइनस चार्ज ज्यादा होने के केस में इसको बाहर नहीं निकाल सकता, कैपेसिटी कमी है, सेलेक्टिवली परमीएबल है, इसलिए 100% परमीएबल नहीं होती, कैपेसिटी नहीं है उसकी, जब वो नेगेटिव को बाहर नहीं निकाल सकती तो इस केस में क्या करेगी, पॉजिटिव को अंदर, तो जितने आर नेगेटिव थे जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा के प्लस क्या होगा, अंदर लगेगा, ठीक है। इस केस में बहुत कम ऐसा होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए मान लो आते आते, उस केस में बहुत कम Cl माइनस इधर मैंने प्लांट के अंदर खुद ही बन जाता है, H2CO3 वगैरह है ना उसके अंदर, स्टोमेटा ओपन होगा, आपने पढ़ा एस्पार्टेट बनता है, मैलेट बनता है, तो एस्पार्टेट और मैलेट तो आयनिक फॉर्म है, उससे पहले वो क्या होता है एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, तो ये सब एसिड क्या करेंगे, एसिडिक कंडीशन क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव आयंस ज्यादा बढ़ा देंगे, तो इस केस में क्या होगा, इसको बैलेंस किया जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्शन इसमें ये था कि इसमें कहीं कोई एडीबी का रोल नहीं बताया गया और इसने एक तरीके से इनएक्टिव प्रोसेस बता दी। अब 100% इनएक्टिव कंडीशन आप कैसे ले सकते हो, क्योंकि आप देखते हो नेचुरली बहुत सारे प्लांट होते हैं जैसे मैंग्रोव्स, तो वो तो क्या बोलते हैं मार्शलैंड में रहते, तो मार्शलैंड में जो है वहां तो सॉल्ट कंडीशन बहुत सारा, तो प्लांट वहां कैसे सरवाइव करता है,
कोई ऐसे अगर सारे के सारे नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन इधर उधर हो रहे होते तो प्लांट एडवर्स कंडीशन को टॉलरेंस ही होती नहीं ना उसके अंदर, तो इसलिए ये थ्योरी थोड़ा सा फेल हुई। दूसरी चीज, कुछ प्लांट्स ऐसे थे जहां ही बिल्कुल ही खत्म हो गए, ये थ्योरी काम नहीं करी। जैसे नाइगेला ट्रांसलूसेंस एंड कारा ऑस्टेलिस, कारा का प्लांट मिलकर पड़ा होगा पोस्टीरियर में, एल्गी ठीक है, तो कारा है उसमें आप देखेंगे कि उसमें K+ की कंसंट्रेशन ना 1000 टाइम ज्यादा होती है बाहर की कंपैरिजन में, तो वहां तो ये फॉलो ही नहीं हो पाया। इसका मतलब जब पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर ऑलरेडी ज्यादा है तो फिर वो नेगेटिव चार्ज को अपटेक करना पड़ेगा ना उसको बैलेंस करने के लिए, या तो वो बाहर निकाले उनको पॉजिटिव चार्जेस को। और जब 1000 टाइम ज्यादा है एटमोसफेयर की कंपेरिजन में सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज, तो वहां ये थ्योरी काम नहीं करेगी, कैसे एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, तो इनएक्टिव थ्योरी थी तो ये काम में नहीं आई, कुछ मामलों में खराब साबित होगी। आगे बात करें कि रेस्पिरेशन है नेगेटिव चार्जेस का सीधा सीधा रिलेशन होता है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हॉपकिंस ने संकेत किया कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं उसमें ऑक्सीजन की अगर डेफिशिएंसी हो गई है, तब उन्होंने बोला कि सॉल्ट अपटेक में भी कमी होती है, यानी कि सॉल्ट तभी लिया जाएगा जब ऑक्सीजन प्रॉपर हो गई। अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है तो मिनरल अपटेक भी नहीं, इस तरीके की थ्योरीज भी कुछ देखने को मिली। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड साइनाइड एजाइड ये सब होंगे, तभी भी मिनरल अपटेक हो जाएगा, तभी भी सॉल्ट का अपटेक नहीं होगा। ठीक, स्टीवर्ट हॉपकिंस इन सब ने इस थ्योरी में कहीं ना कहीं सॉल्ट इंडक्शन रेस्पिरेशन प्रूफ करके बताया। ग्रिंडन बर्स्ट्रॉम साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर किसी भी नॉर्मल प्लांट को है ना एक्वेटिक एरिया से सीधे सॉल्टी एरिया में आप इम्प्लांट कर देते हो तो उसकी रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन भी देखा गया। भाई आप ये पर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्या प्लांट हो एनिमल हो किसी को भी जैसे ही एडवर्स कंडीशन में डालोगे ना तो उसके सर्वाइवल पर खतरा हो, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेगा, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज करेगा। सीधी बात है, तो इसको लेकर यहाँ मिनरल अपटेक को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा दोनों ने क्वेरी। आगे बात करते तो ये जो क्या था नेगेटिव, मतलब यहाँ कोई एटीपी यूज नहीं, ठीक है, ये इनएक्टिव तरीके से मिनरल अपटेक। मास फ्लो थ्योरी ये कहती है कि भाई जहाँ जो चीज ज्यादा है वहां से वो कहाँ जाएगी, कम की तरफ पैर। तो उसमें आप देखोगे मास फ्लो थ्योरी ये कहती है, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिंक होता है सोर्स होता है, सिंक एंड सोर्स के ग्लोबल हाइपोथेसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले उसी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मास फ्लो थ्योरी में ये है कि आप जो चीज जहां ज्यादा होगी वहां से वो कम की तरफ जाएगी, यानी आपको पता है ट्रांसपिरेशन होता है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट हो गया, अगर प्रेशर ज्यादा है तो सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा, इस तरीके की थ्योरीज भी दी गई है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इनको अप्रूवल नहीं मिला क्योंकि ये नेचुरली ये काम नहीं करता। ठीक है, आयन एक्सचेंज थ्योरी तो सबके लिए अप्लाई हो रही है कि पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव को बाहर निकाल दो, नेगेटिव ज्यादा है तो नेगेटिव को बाहर निकाल दो। इस थ्योरी को फिर आगे प्रूव करने के लिए समझाने के लिए दो और थ्योरी दी गई, कॉन्टेक्ट एक्सचेंज थ्योरी एंड कार्बनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, कॉन्टेक्ट एक्सचेंज थ्योरी कहती है कि K+ और H+ दोनों अगर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ गए, भाई सॉइल के अंदर K+ है और प्लांट के अंदर इतने सारे एसिड है तो H+ है, अगर ये किसी भी तरीके से एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। ये थ्योरी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, कुछ मामलों में सही है, जैसे कि H+ K+ अगर सॉइल के अंदर है तो H+ के साथ वो कॉन्टेक्ट में आने के बाद चेंज हो जाएगा, दूसरी तरफ कैल्शियम +2 है, अगर कैल्शियम
प्लस टू है वो जो है वो OH माइनस के साथ एक्सचेंज कर देता है, K प्लस है OH प्लस के, इस हिसाब से वो एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें समझो आप लोगों ने कभी ह्यूमन या एनिमल्स में पढ़ा होगा कि नर्वस सिस्टम काम करता है, वो टू एन ए प्लस अंदर जाते हैं, थ्री एक प्लस बाहर आता है, मेम्ब्रेन में प्रोसीजर चलता है, यानी कि हर बार पॉजिटिव को नेगेटिव बैलेंस नहीं करता है, मोर पॉजिटिव एंड मोर नेगेटिव का केस भी चलता है। हाँ, अगर 3Na+ अंदर चले गए और 2K+ बाहर आ गए तो इस केस में भी यहाँ बैलेंसिंग हो गया, क्योंकि कुछ तो के H+ उसमें पहले से हो तो H+ को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो यहाँ जो आयन से अपने को एक्सचेंज। इस तरीके की थ्योरी है, यहाँ पर भी यही होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को कांटेक्ट कंडीशन में बैलेंस कर दिया जाता है। क्यों कांटेक्ट में आए ये सारे आयंस सेल के आयंस के साथ? क्योंकि सॉइल के अंदर क्या है, पार्टिकल्स पार्टिकल कोलाइडर फॉर्म में होंगे, कोलाइडर फॉर्म में क्या होगा, मिसाइल बन जाता है। मिसाइल मतलब केज, केज मतलब क्या होता है, कोई एक सेंटर में होगा और उसके चारों तरफ आयन है, तो उसमें भी यही केस होता है कि एक सॉइल पार्टिकल है और उसके चारों तरफ क्या है, आयन्स लगे हुए हैं। तो अब इस कंडीशन में जो सॉइल के कांटेक्ट में आने का मतलब सबसे पहले क्या हो, आयन्स के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बनिक एसिड एक्सचेंज। कार्बनिक एसिड एक्सचेंज की बात करें तो H+ एंड कार्बनिक एसिड कौन सा होता है फ्रंट के अंदर, H2CO3 है, तो ये ब्रेक होगा H+ एंड HCO3- इस तरीके से। ठीक है, तो H2O अगर इसके साथ ऐड हो गया H2CO3 बन गया, फिर ये H+ का केस है सारा और कुछ नहीं है, रूट है, रूट ने क्या किया, रेस्पिरेशन किया, तो रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन करेगा तो H+ क्या होगा, रूट है तो रूट क्या करेगी, रूट सेल्स रेस्पिरेशन करेंगी, रेस्पिरेशन करेंगी तो CO2 को बाहर निकाल देंगी, जब CO2 बाहर जाएगी वो क्या करेगी H+ के साथ एनवायरनमेंट में जो H+ इसके साथ ये H2O वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, तो फाइनली ये क्या बनाएगा H2O CO3 बनाएगा और ये H2CO3 जो है फिर ब्रेक डाउन होगा H+ CO3- फिर ये सेल के अंदर भेजा जाएगा। तो एकदम से H+ के फॉर्म अलग और HCO3 के फॉर्म में अलग, एक साथ पूरा का पूरा केमिकल कंपाउंड नहीं जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड सेल को एंट्री मिलेगी, सेल सैचुरेटेड ठीक है, आयन इसके फॉर्म में है H+ एंड HCO3- माइनस के फॉर्म में। देन डोनर हाइपोथेसिस आप लोगों ने पढ़ी, आगे बात करते हैं हम, कौन ये तो क्या थी सारी इनएक्टिव थ्योरी, आगे आती है एक्टिव थ्योरी। कौन सी एक्टिव का मतलब, जहां एक्टिव वर्ड आ जाता है वहां पर फिर एटीपी काम करता है। ठीक है, तो यहां एटीपी का प्रोसेस है, यानी कि ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई, एटीपी कोई खर्चा कब करेगा जब वो काम सीधे रास्ते नहीं, यानी आयंस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा प्रॉपर, बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो एडवर्स कंडीशन में भी जरूरत है। जैसे आप लोगों ने वाटर अपटेक में पढ़ा था कि वाटर या तो मिल जाए इसे और नहीं मिल रहा है तो प्लांट क्या करेगा, एटीपी रिलीज करेगा, तब वाटर को सॉइल में से जबरदस्ती खींच करके तब अपटेक करेगा। ठीक है ना, प्रेशराइज कंडीशन फोर्सफुली उठे तो इसी तरीके से मिनरल एब्जॉर्प्शन में भी होता है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तो है नहीं। दूसरी चीज, इस प्रोसेस में कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होती नहीं। हाँ, आयंस जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, इररेगुलर होगा, क्योंकि सेल को हर हाल में मिनरल्स चाहिए, सॉइल में मिनरल्स है तो ठीक, नहीं है तब भी ठीक, अगर सॉइल के अंदर मिनरल्स बहुत कम है तो फिर प्लांट को तो चाहिए वो तो फिर रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, तो एडीपी को खत्म करके लेगा,
फोर्सफुली लेगा, लेकिन मिनरल उसे चाहिए क्योंकि अगर मिनरल नहीं मिले तो उसको डिफिकल्ट होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप आपने पढ़ी थी ना हाइड्रोपोनिक्स मेथड, जिसमें हम सॉइल को पहले अच्छे से स्टेराइज करते हैं, प्योर करते हैं, फिर उसके बाद उसको मिनरल्स डाल करके उसमें ग्रोथ करवा के देखते हैं, तब हमें पता चलता है एक एक किसी भी मिनरल को हम रोक देते हैं, एक किसी भी केमिकल को हम रोक देते हैं उस मीडियम में। एक तो बनाते हैं ऐसा प्लांट जिसमें सारे मिनरल दे रहे हैं, प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन बाकी प्लांट्स की कंपेरिजन करके आप देखते हैं सब कुछ दिया पोटेशियम भी, पर देखते हैं कि उसको क्या असर आया। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि क्लोरोसिस हो गई या रोलिंग हो गई, कर्लिंग हो गई, पैचेस बन गए, क्या ठीक है, एक एक को रोकते हैं, पोटेशियम रोका, सब क्या हुआ, सोडियम रोका, सब क्या हुआ। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी होगा कि आयंस का इक्विलिब्रियम नहीं होता प्रॉपर, इसके अलावा ड्राइविंग फोर्स काम करता है, यानी कि हम फोर्सफुली पहले फोर्स इंड्यूस होगा और फिर उसके बाद मिनरल्स को अपटेक किया जाएगा। मैकेनिज्म की बात करें तो एक्टिव मिनरल में हमें क्या चाहिए, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और सॉल्ट एब्जॉर्प्शन जो हालांकि इसको बहुत ज्यादा अप्रूवल नहीं मिला था, लेकिन देने भी थे इसको लिपिड प्रोटीन मोज़ेक मॉडल जब पोस्टुलेट किया उसके बाद नहीं काम चला। लिपिड मॉडल मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, डेनियल डेविडसन सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। ठीक, उस थ्योरी के आने के बाद ये थोड़ी खत्म हो गई, हालांकि ये एक ऐसी थी कि हाइड्रोफिलिक पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन में जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर के साथ साथ ही उसमें मिनरल्स भी घुल करके आ जाते हैं। ठीक है, क्या और अगर नहीं आ रहे तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको आगे मतलब उसको क्रॉस करने के लिए सॉल्ट जो है वो क्या करता है, कैरियर प्रोटीन से एड हो जाता है और दूसरे लेयर में जाकर फिनिश। देखो इसका ऐसा प्रोसेस, इस थ्योरी में कहने की कोशिश की गई कि अगर आप ये कहते हैं लिपिड है और ये यहाँ प्रोटीन, ठीक है, तो चैनल प्रोटीन में क्या हुआ, एक एरिया पर देखो वाटर को आया है, वाटर को आया है जो सॉल्ट है ना, ये थ्योरी एक ही सॉल्ट यहाँ ऐड हो गया, उसके बाद इसके कई तरीके तो अगर ये इस सिचुएशन में इसको ऐसे पकड़ के बैठा है, अगर ये प्रोटीन यहाँ से क्या हो जाए इनवर्टेड, तो ये जो भी था सॉल्ट या जो भी मटेरियल हुआ वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। ठीक है, और इसको इन्वर्टेड होने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन ने अपना कॉन्फिगरेशन चेंज किया और वो चीज अंदर पास आउट हो गई, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, ये थ्योरी दी थी एक्टिव मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरा दिया गया थ्योरी ब्रिज, ब्रिज बनता है यानी चैनल्स जो होते हैं ना, ये प्रोटीन चैनल्स ये एक टनल की तरह काम करेंगे और सीधे इसमें से पार्टिकल्स यहाँ से इस तरह घूम घाम करके आए सॉल्ट, और जहां पर क्या है प्रोटीन है वहां उस टनल में चलेंगे प्रोटीन के, और यहाँ सीधे टनल को पास आउट करते हुए चलेंगे। ठीक, इसमें भी प्रोटीन को यूज किया जाता है। अब इस केस में क्या है कि इन्होंने कुल मिलाकर कह दिया कि जो कोर होता है ना वो हाइड्रोफिलिक कंडीशन में, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लगेगा तो वाटर को तो अपटेक कर देगा, लेकिन मिनरल को ये जस्टिफाई नहीं कर पाए अच्छे से कि कैसे जाएगा। नेक्स्ट आता है कैरियर कॉन्सेप्ट। ठीक, कैरियर कॉन्सेप्ट जो था वो हानर्ट ने दिया था, और उन्होंने बोला कि आयंस
उन्हें क्या है, थ्री डिफरेंट टाइप के बैरियर्स को आगे ठीक करना पड़ता है, हाँ बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है। और ज्यादातर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एटीपी हर जगह खर्च नहीं होती है, ठीक है। हॉनर ने ये बोला कि जो आयंस है वो स्पेशल टाइप के कैरियर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उनको यूज करते हैं और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आयंस आ तो सकते हैं, आयंस बाहर जा नहीं सकते, और इस प्रोसेस के लिए एक प्रीकर्सर होता है एटीपी एंड फॉस्फोइनोल काइनेज। फॉस्फोइनोल काइनेज क्या करेगा, एटीपी को तोड़ देगा, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फो, ठीक। तो जब टूट जाएगा एटीपी, जब टूटेगी सब क्या होगा, आयंस निकलेगा, वो आयंस क्या करेंगे, जो बाहर जो आयंस थे, ये मेम्ब्रेन, ठीक है, इस मेम्ब्रेन में इधर ये सॉइल है और इधर ये क्या है साइटोप्लाज्म, यहां से चीज अंदर है, ठीक है, तो डायरेक्टली तो जा नहीं पा रही। अगर यहाँ पर फॉस्फो एटीपी आ जाए तो वो टूटेगी। दूसरी चीज जो एंजाइम है, वो एंजाइम भी क्या करेगा, जब टूटेगा तो यहाँ कुछ आयंस बनेंगे, वो आयंस बाहर वाले आयंस के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग, टेम्परेरी बॉन्डिंग, और उसके बाद ये आयंस यहाँ पर इसको ला करके क्या कर देंगे, इंटरनल जो सेल के आयंस थे वो सॉइल वाले आयंस को अंदर की तरफ पास आउट कर देंगे। ये था कैरियर कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब सेल के लिए जो आयंस हैं, जो एंजाइम्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आयंस के लिए कैरियर, ठीक है। मोस्टली इसमें कौन रोल प्ले करता है, फॉस्फोकाइनेज। फॉस्फोकाइनेज एंजाइम है जो क्या करता है, कैरियर की तरह काम करेगा। अगर कोई आयन कैरियर के साथ नहीं ऐड हो पाता है तो पास आउट हो भी नहीं, ठीक है। टाइम हो गया, ठीक है। आइसोटोनिक एक्सचेंज में तो ये K2SO4 के अंदर सेल को रखा गया प्लांट को, K2SO4 एंड CaSO4, और इसमें सल्फर जो था वो कैसा रखा गया, आइसोटोपिक कंडीशन में रखा गया, यानी कि रेडियो एक्टिव कंडीशन में रखा गया। उसके बाद देखा गया कि अगर प्लांट को कैल्शियम सल्फेट में रखा जाए तो काफी देर बाद भी क्या होगा, बाहर वाला सल्फेट जो है वो अंदर एंट्री नहीं कर रहा है, इस मतलब कैल्शियम तो अंदर आ गया लेकिन सल्फेट आयन अंदर, ठीक है। इस तरीके से कुछ रिजल्ट निकाल करके देखेंगे कि आयंस में क्या एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बैरियर्स, वो बैरियर्स जो कैरियर का काम नहीं करते। कैरियर कब एक्टिव होगा, तब उसको एटीपी कर देंगे, कैरियर एक्टिव हो गया तब तो वो कैरी कर देगा, और अगर खुद ही इनएक्टिव है, प्रीकर्सर कंडीशन एटीपी नहीं है, तो कैरियर पास नहीं करेगा, ठीक है। बाकी सैचुरेशन इफेक्ट वगैरह ये सब कर दो, ठीक है। साइटोप्लाज्म है लास्ट का नाम कर दो, ये बुक पे लिखी गई है, फिर अपन डायनोफाइटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है।